जय साई राम। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट ब्रिज मंसूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। 2 अक्टूबर को महालक्ष्मी उपवास रखा जाता है। ये महालक्ष्मी पर्व है। इस दिन उपवास रखने का अर्थ होता है अपनी संतान का सुख लेना, अपनी संतान के लिए खुशियां मांगना, परिवार के लिए खुशियां मांगना। परंतु कहीं आप इस दिन मेकअप के रूप में कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल तो नहीं कर लेते जिससे कि आपका ये उपवास भ्रष्ट हो जाता हो। नेल पॉलिश लगाना, आँखों पर काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना औरतों के लिए सौंदर्य का एक प्रतीक होता है और सभी औरतें इसे इस्तेमाल करती हैं। मुंह पर, अपने होठों पर लिपस्टिक भी लगाई जाती है, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई जाती है, आँखों पर काजल लगाया जाता है। तो कहीं आप इनमें देख लेते हैं ना, किसी तरह का नॉनवेज का इस्तेमाल तो नहीं है, क्योंकि यदि इन पदार्थों में किसी प्रकार का नॉनवेज का इस्तेमाल है यानी चर्बी का इस्तेमाल है तो आपका ये उपवास भ्रष्ट हो सकता है। इस बात को खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने देखी है बाज़ार में एक दो मेहंदी भी ऐसी आती हैं जिनमें एग मिला होता है ताकि कलर ज़्यादा अच्छा आए। वो किसी और दिन लगा लेना तो ठीक है, परंतु यदि वैसी मेहंदी का इस्तेमाल आप कर लेते हैं महालक्ष्मी के इस उपवास के दौरान तो व्रत आपका टूटा हुआ माना जाएगा, उल्टा आपको पाप लगेगा, पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब चीज़ों का बहुत ही गंभीरता से ध्यान रखना होता है। आप नॉनवेज खाते हो, आपने लिपस्टिक लगाई, नॉनवेज खाया, लिपस्टिक लगाई, अब आपने रख दी, अब आप महालक्ष्मी का उपवास कर रहे हो, उस दिन वहीं लिपस्टिक निकाली और लगा ली। कुछ कण नॉनवेज के तो उस लिपस्टिक पर लगे ही हैं और वो आपके होठों पर लग गए, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि महालक्ष्मी के इस पावन पर्व पर आपकी बॉडी में नॉनवेज चला गया। तो इन सब चीज़ों का बहुत गंभीरता से ध्यान रखना है। यही तो वह बातें हैं जिनके कारण कुछ लोग कहते हैं हमें तो बहुत लाभ मिला और कुछ कहते हैं हमें लाभ नहीं मिला, यही कारण होते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप सिंपल मेकअप करते हैं तो उस दिन नया इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ नया नया इस्तेमाल कर लीजिए। आपके इस्तेमाल में तो आता ही रहता है, साल में एक दिन होता है ये, तो इस दिन आप ये नया करें। और ये सब बातें आप दूसरे जो उपवास रखते हैं उनमें भी ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी का आशीष मिलना तो दूर, उल्टा आपको पाप लग जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, अशुद्ध अवस्था में ना पड़ियो, अपने संग अनर्थ ना करियो। यानी कोई भी पाठ पूजा अशुद्ध अवस्था में मत करें, अपने साथ अनर्थ मत करें। और माँ लक्ष्मी का तो खास तौर पर, तो इसलिए कोई ऐसी लिपस्टिक, कोई ऐसा मेकअप का सामान जो आपने नॉनवेज खाए हुए इस्तेमाल किया था इस उपवास के दौरान आप इस्तेमाल नहीं करेंगी। कोई ऐसी मेहंदी जिसमें एग मिला हो आप इस्तेमाल नहीं करेंगी। और जो थाल आप महालक्ष्मी के उपवास में पूजा के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, कहीं उसमें कभी नॉनवेज ना खा लिया गया हो, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग अक्सर अपने किचन में से एक थाल लेते हैं और पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं और इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि ये वाला जो थाल था कभी नॉनवेज खाते वक्त इस्तेमाल किया गया था। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं और उपवास करते हैं तो फिर तो आपको 100% लाभ मिलेगा, माँ लक्ष्मी का आशीष मिलेगा। परंतु यदि आप इस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप गर्भवती हैं तो आप उपवास मत कीजिए, क्योंकि ये भी एक पाप लगता है। क्योंकि जब आप गर्भवती हैं आप पाप ये उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं या फलाहार पर रहते हैं तो आपको पाप लगा, क्योंकि आपने अपने अंदर पल रहे बच्चे को भोजन नहीं दिया। तो इसलिए माँ लक्ष्मी के
ग्रंथ में भी लिखा है कि जब गर्भवती औरतें हों या रोगी हों, यदि आप रोगी भी हैं तो आप उपवास मत कीजिए, किसी तरह का अनिष्ट आपके साथ नहीं होगा, बल्कि उल्टा यदि आप रखते हैं तब अनिष्ट होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ एक लोग मेडिसिन खाते हैं, इस दौरान मेडिसिन खाते हैं, उपवास में भी खानी पड़ती है, तो ध्यान ये रखना है कि कहीं उसमें मछली का तेल या कोई ऐसी वस्तु का इस्तेमाल तो नहीं हुआ जो नॉनवेज की श्रेणी में आती है। इन सब चीज़ों का बहुत गंभीरता से ध्यान रखना है और एक दिन पहले से ही रखना है। ये नहीं कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले नॉनवेज खा लिया तो उपवास कर लिया। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो कुछ यात्री मेरे साथ बैठे थे जो वैष्णो माता जा रहे थे और नॉनवेज खा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सा लगा, बुरा सा लगा, मैंने मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनको टोक दिया। मैंने कहा कि आपने ये क्या किया, आप तो वैष्णो माता जा रहे हैं और दर्शनों के लिए और यहाँ पर आप नॉनवेज खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो हमने कल जाना है ना, कल सुबह पहुँचना है, तो अभी तो रात के 11 बजे हैं तो हम खा भी रहे हैं तो क्या हुआ। अब आप खुद सोचिए कि हम उसी नॉनवेज को अपने पेट में लेकर परमात्मा के श्री दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो हमें कहाँ शक्तियाँ प्राप्त होंगी, कहाँ हमें कहाँ आशीष प्राप्त होगा, हम किधर को जा रहे हैं। आखिर जिस परमात्मा ने हमें सदैव मना किया है हम उसी के दर्शन करने के लिए नॉनवेज खा रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए ये पुरानी रीति रिवाज, नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत खाइए, और ख़ास तौर पर जब ये धर्म कर्म का मामला हो उस समय तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है, आपको उल्टा परमात्मा का शीश मिलने के स्थान पर क्रोपियाँ मिल सकती हैं, अभिशाप मिल सकता है, श्राप मिल सकता है। तो इसलिए नॉनवेज का सेवन कम से कम उन दिनों में मत करें जिनों दिनों में आपके घर में कोई पाठ पूजा हो रही है। बहुत से लोग दिवाली वाले दिन जो पवित्र मुहूर्त होता है उस दिन नॉनवेज खा लेते हैं, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। बात हो रही थी महालक्ष्मी के व्रत की। 2 अक्टूबर को ये व्रत है, बहुत पावन व्रत है, बहुत महत्व होता है इस व्रत का, आपको विधिवत तरीके से करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपने किसी भी प्रकार से कोई भी नॉनवेज किसी भी तरह का आपके पेट में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे बिंदिया हो, चाहे काजल हो, आपकी बॉडी पर भी टच नहीं करना चाहिए। तो ये इन सब बातों का आप खास ध्यान रखें और उस पर पढ़ें। अब जैसे सॉस इस्तेमाल करते हैं आप अपने घर में, तो सॉस में आपको पता है कि प्याज होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और वो नवरात्रों में भी सॉस खा लेते हैं जबकि उसमें प्याज होता है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। तो जब आप उपवास करें पवित्रता के साथ करें। हाँ, यदि रोगी हैं तो दवा का सेवन कर रहे हैं तो चेक कर लें, जिस दवा में ऐसे अंश है जो नॉनवेज के हैं वो दवा सेवन मत करें, उसका भी आपको बुरा लगेगा। ये नहीं है कि आप, क्योंकि आप उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको कोई भी नॉनवेज चीज़ नहीं लेनी है, चाहे वो दवा के रूप में ही क्यों ना हो। ये नहीं है कि ये दवा है इसका क्या है, ये तो लेनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा के घर में सभी चीज़ों का एक सा ही मोल होता है, इसलिए जब उपवास करें पूर्ण पवित्रता के साथ करें। यदि गर्भवती हैं तो मत करें, क्योंकि आप अपने साथ बुरा करेंगे, आपको आशीष के स्थान पर बुराई मिलेगी, इसलिए मत करें। और नॉनवेज का सेवन किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार से मत किया जाए और किसी को बनाकर भी मत दिया जाए। ये नहीं है कि हम थोड़े खा रहे हैं, लेकिन यदि आपने उपवास रखा है तो उस दिन आप नॉनवेज एग वगैरह को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई ऐसा बिस्किट, कोई ऐसा केक जिसमें नॉनवेज है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं परोसेंगे। यदि किसी को परोसते हैं तब भी आपको पाप लगता है। तो अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो माँ लक्ष्मी के नाम पर ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और उनको भी बच्चों की प्राप्ति हो सके, उनको भी माँ लक्ष्मी का शीश मिल सके। यदि चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी और वीडियो भी आपको मिलती रहे। यदि आपका कोई सवाल है या आप मुझसे अपने जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता है। फ़ोन मत करें, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। तो मैं
समझता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कैसे आपने सब करना है। तो अब इजाज़त दें, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।